स्टूडेंट्स, सो इससे पीछे अपने जो टॉपिक किया था ना, उसमें अपने बात की थी कि अवतल दर्पण से अपनों ने क्या किया था, प्रतिबिंब निर्माण किया था अवतल और उत्तल दर्पण से। लेकिन आज अपने करेंगे दर्पण सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे कि दर्पण सूत्र कैसे अपने उसको किसी भी डायग्राम की सहायता से बना सकते हैं। देखो सबसे पहले आ गया दर्पण सूत्र बनाना है, उसके लिए मैंने एक किरण आरेख जो पहले से बना रखा है। अब देखो ये कौन सा दर्पण है अपने पास, जैसे आप लोग देख रहे हो इसमें अपने पास अवतल दर्पण ले रखा है। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष हो गई, फोकस और वक्रता केंद्र, पॉलिश की हुई क्या होगी अपने पास, सतह हो गई। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अपने जो है बिंब को रख दिया, वस्तु रख दी। कोई पहली किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और कहां से गई, परावर्तन के बाद फोकस में से चली गई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी किरण आई वो अपने कहां से गुजारी, वक्रता केंद्र से गुजारी। और अपने को ये बात पता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली कोई भी किरण होती है वो किसी भी एंगल में मुड़ती नहीं है, वो सीधी के सीधे निकल जाती है। अब देखो ये दो किरण आ रही होगी और अपने इसको पीछे जाके मिली है, अपने को अपना प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। कहां प्राप्त हुआ, सी से परे। तो ये चलो डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने दर्पण सूत्र की। सबसे पहले दर्पण सूत्र अपने को व्युत्पन्न करना है ना, उसके लिए अपने को दो त्रिभुज चाहिए होंगे। त्रिभुज देखो इसमें से ये एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो इसको अपने क्या नाम दे देंगे, त्रिभुज एक, ठीक है। उसके बाद इस ये देखो इसके साथ ही त्रिभुज नंबर है दो, इसको दो नाम दे दिया। देखो कौन सा त्रिभुज अपने पास, ए डैश बी डैश सी, ये रहा। दूसरा है अपने पास ए बी और सी। चलो इसको लिखते हैं अपने, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले त्रिभुज एक व त्रिभुज दो से, त्रिभुज एक कौन सा है, देखो देखो ए डैश बी डैश और सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी और आगे कौन सा है, दूसरा नंबर त्रिभुज ए बी और सी। देखो त्रिभुज आपको पता चली क्या होगा, ए बी और सी, ये अपने पास दो त्रिभुज है से। अब सबसे पहले इनके कोणों की बात करते हैं। देखो कोण जो है ये क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे लंबा, यहाँ पे ये कितना कोण बना रहा है मुख्य अक्ष के साथ, ये जो रेखा है 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये तो बात होगी त्रिभुज एक की। अब त्रिभुज दो देखो, त्रिभुज दो के अंदर ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो मतलब क्या हो गया अपने पास, देखो यहाँ लिखेंगे अपने कोण ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश और सी किसके बराबर, देखो जो कोण बन रहा है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। बी डैश पे 90 डिग्री का बन रहा था तो इसलिए हमने बी डैश को बीच में ले लिया, ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ देखो ए बी, बी पे कोण बन रहा है तो ए बी सी किसके कोण के बराबर होगा, कोण ए बी और सी के। कारण लिख दो क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है समकोण है, दोनों पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का जो है अपने पास कोण बन रहा है। ये तो एक त्रिभुज हो गया, अब बात सॉरी एक कोण हो गया। अब दूसरे कोण की बात करते हैं, देखो कोण सी देखो दोनों के अंदर क्या है कॉमन है, ये रहा कोण सी इधर और ये रहा कोण सी, दोनों के क्या हो रहे हैं सिर जुड़ रहे हैं, सिर जुड़ रहे हैं मतलब क्या है, कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण का अगर एक का मान कितना होगा 60 डिग्री है तो दूसरे का भी क्या होगा 60 डिग्री ही होगा, इसलिए दोनों कोण बराबर है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे अपने कोण, लिखो फिर से बता रही हूँ, जो कोण अपने मान लिखना है उसको बीच में लेते हैं, लिखो ए डैश सी और बी डैश बराबर क्या हो गया, और यहाँ देखो दूसरा ए सी और बी, ए सी और बी, रीजन एक दो क्यों बराबर है, क्योंकि क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण है, कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए तो हो गए शीर्षाभिमुख। अब चूंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा, कोण ए जो है ए डैश यहां ये वाला कोण ए एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, इसलिए लिखते अपने ठीक है बी डैश ए डैश सी, कोण बी डैश ए डैश सी किसके बराबर होगा, कोण बी ए और सी के। क्यों बराबर होगा, रीजन लिख दो, क्योंकि दोनों दूसरे कोण क्या है बराबर है, दोनों कोण क्या है
बराबर है, अतः तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब तीनों कोण बराबर है तो मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप हो गए। कौन कौन से दो त्रिभुज है देखो, ए डैश बी डैश सी किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी के। ये देखो ये समरूपता का निशान है, नहीं समझ आ रहा तो यहां लिख दो क्या हो गए ये दोनों आपस में समरूप हो गए। अपने इसको समरूप तो सिद्ध कर दिया, क्यों किया, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज है ना उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और अपने को इसकी भुजाएं ही चाहिए सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए। तो भुजाएं लेते हैं हमने, सबसे पहले अपने जो भुजा होती है ना मुख्य अक्ष की भुजा, वो तो लेनी ही लेनी होती है। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अक्ष की भुजा लिख लेते हैं। लिखो ये देखो बीच में सी कॉमन है तो सी बी डैश बटा में क्या आ जाएगा, सी बी। लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सी बी डैश बटा में सी बी किसके बराबर होगी, एक भुजा और लेंगे। तो एक काम करते हैं लंबे वाली ले लेते हैं, ये जो ए डैश बी डैश लंबी भुजा ले लेते हैं, ठीक है। लिखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा में क्या आ गया, देखो इधर ये लंबी है तो इधर ये वाली है, तो ये कौन सी भुजा है, भुजा ए बी, इसकी बटा में क्या लिख देंगे, भुजा ए बी। चलो इसको क्या बोल देते हैं अपने, समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक कहेगी ऐसे अपने को समीकरण नंबर दो भी चाहिए, मतलब ऐसे ही भुजाओं का एक और अनुपात भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी ए डैश बी डैश सी और लिया था और अपने क्या लिया था, त्रिभुज एबीसी, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज लेंगे। तो यहां लिखो इसी प्रकार, अब त्रिभुज देखो और कौन से लेंगे, अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है ये रहा, यहां से अपने क्या करेंगे छोटा सा लंब डाल लेंगे, यहां सिंपल क्या था छोटी सी क्या कर दी उन्होंने, रेखा खींच दी, ठीक है। रेखा खींची, इसको अपने कोई नाम दे दो, मैंने ई नाम दे दिया इसको, ई और पी बिल्कुल बराबर है। देखो इसको अपने क्या कहते हैं, ये बोल देते हैं कि रेखी है ये, भुजा नहीं हो सकती, गोलाई में है, तो इसलिए अपने इसकी जो है बिल्कुल बराबर में एक लाइन खींच दी। लेकिन ई और पी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहाँ लिख दो ई बराबर पी, कोई अंतर नहीं है इनमें, चाहे ई लिखो चाहे पी लिखो। अपने ये एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज नंबर नाम दे देते इसको तीन, या इसको कोई नाम देते हैं अपने एन। तो अपने पास त्रिभुज नंबर तीन आ गया। अब एक और त्रिभुज चाहिए तो अपने बनाएंगे ये रहा एफ बी डैश ए डैश और ये रहा, ये फुल बड़े वाला ये रहा, ये देख रहे हो ये रहा, यहां से ये और इधर ये रहा, इसको ना मैं यहाँ बीच में लिख देती हूँ, ये चार नंबर त्रिभुज है सबसे बड़ा। तो लिखो त्रिभुज के नाम लिखते हैं, इसी प्रकार लिख रखे त्रिभुज तीन नंबर लिखो एफ ई और एन, वह त्रिभुज नंबर चार का नाम लिखो एफ ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ से। देखो जैसे पहले अपना ने किया था वैसे क्या हो जाएगी, ये कौन सी बना रही है इसके साथ जो है 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बन गया, उसके साथ ये क्या कर रही है, ये भी 90 का कोण बना रही है, मतलब दोनों कोण क्या हो जाएंगे यहाँ बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये देखो दोनों का कॉमन कौन है एफ, ये वाला कोण क्या है शीर्षाभिमुख है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए अपने को ये इतना जो उन्होंने लिखा था दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने डायरेक्ट मानेंगे कि दोनों क्या है आपस में समरूप है, ठीक है समरूप है। तो क्या हो गए, लिख दो भुजाओं का अनुपात, सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि मुख्य अक्ष की भुजा है, मुख्य अक्ष की भुजा तो लेनी ही लेनी है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे मुख्य अक्ष की भुजा लिखेंगे। लिखो मुख्य अक्ष की भुजा कौन सी है एफ बी डैश बटा में क्या आएगा एफ ई। देखो ये त्रिभुज तीन के लिए त्रिभुज चार की, तो लिखो एफ बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा एफ ई बराबर में, लंबे वाले ले लो ये ले ली और उधर से वो ले लेंगे, तो ऊपर पहले लिखो ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये रहा इसकी लंबी ये है, इसकी कौन सी हो जाएगी एन और ई, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे एन और ई, ठीक है। अब इसको आगे ना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या करेंगे यहाँ नीचे करो एफ बी डैश को तो पढ़ा रहने दो, अपॉन में एफ ई को पढ़ा रहने दो, बड़ा एफ है ये छोटा मत लिख लेना एफ ई को। अब ये वाली साइड और समीकरण नंबर ये वाली साइड दोनों को अपने क्या करना है बराबर बनाना है, ए
A डैश बी डैश पड़ा रहने दो। अब जो एल ई है ना उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ए भी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, देखो एल ई है वो किसके बराबर है, ए बी के। देखो इतना सा ये है, इतना सा ये, तो क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं अपने, तो लिख दिया बराबर। यहाँ रीजन लिख दो, क्या रीजन है कि जो अपने पास एल ई है वो किसके बराबर है, ए बी के। तो ये अपने हमारा लिए समीकरण नंबर है दो। तो इतना काम हो गया अपने पास, जो बहुत मुश्किल काम था ना वो यहीं तक था, यहीं तक था, पूरा आपने हो गया। अब बात करते हैं समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो। यहाँ लिखो समीकरण एक व दो से, देखो समीकरण एक और दो जो है ना इनकी ये एक साइड हो गया है बराबर है, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखो सी बी डैश अपॉन में सी बी किसके बराबर हो जाएगी, देखो इस साइड क्या है, एफ बी डैश अपॉन में एफ ई, एफ बी डैश अपॉन में एफ ई। अब दोनों बराबर है ठीक है, अपने क्या करेंगे, अब इनके मान रखना शुरू करेंगे। मान रखना कैसे, देखो सी बी डैश है, देखो यहाँ पे कहा है सी बी डैश, ये रहा सी बी डैश, सी बी डैश हो गया। तो यहां से लेके अपने यहां तक की दूरी क्या होती है, ध्रुव से लेके यहां तक की दूरी ये प्रतिबिंब है, तो दूरी क्या होगी, वी मानेंगे, लिख ली। अब अगर वी के अंदर से अपने टी सी कम कर दे तो क्या इतनी दूरी बच जाएगी अपने पास, अगर इतनी कम कर दे तो। अब सी से लेके अगर ध्रुव तक की दूरी मापी जाती है तो वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। दोबारा देखो प्रतिबिंब है तो यहां तक की दूरी क्या होगी, वी, वक्रता केंद्र है यहां तक, तो इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या भी होती है ये, तो यहां तक की दूरी कैपिटल आर। उसके बाद देखो जब अपने वी में से अगर आर कम कर दे, पूरी वी है इतनी कम कर दी, इतनी अपने पास आ जाएगी, तो लिखो यहाँ पे b माइनस आर। ये तो अपने लिख दिया, लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, जो अवतल दर्पण है ना उसके अंदर की साइड, इधर साइड जितने भी अपने पास मान होंगे ना, देखो चाहे वो क्या हो, बिंब हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे क्या हो, वो फोकस दूरी हो, क्या होंगे, माइनस के होंगे सारे के सारे। तो आप इनके आगे क्या लगाओगे, ऋणात्मक, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाओगे, लगा दो माइनस का बी, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आर। अब सी डी के बारे में, सी डी देखो कहाँ तक है, ये सी और बी इतना सा है, देखो बिल्कुल छोटा सा है सी डी। अब क्या करते हैं, सी से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है अपने पास, वक्रता त्रिज्या। अब अगर सी बी में से, ठीक है सी डी की दूरी चाहिए, बात सीधी सी है, अगर इसमें से ये दूरी कम कर देंगे अपने तो क्या आ जाएगा अपने पास, सी बी, ये क्या बन रहा है अपने पास, बिंब बन रहा है। तो बिंब की दूरी क्या होती है, अगर अपने ध्रुव से मापे तो यू होती है, तो क्या करेंगे, आर में से क्या कम कर देंगे, यू कम कर देंगे, तो अपने पास सी बी आ जाएगी। तो लिखो यहाँ पे देखो माइनस का आर माइनस का यू, ठीक है। अब देखो माइनस को लगाने के साथ में, क्योंकि इस साइड क्या होती है, सारी ऋणात्मक होती है। अब देखो आगे एफ बी डैश, एफ तो ये रहा, बी डैश ये रहा, इतनी दूरी अपने पास। अब सीधी सी बात, इससे पहले बताया था यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी वी। अब क्या चाहिए, एफ, एफ तक यहां तक की दूरी क्या होती है, फोकस, स्मॉल एफ से फोकस तक की दूरी, तो क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो ये क्या होगी, स्मॉल है। अगर पूरे में से अपने फोकस दूरी घटानी तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ बी डैश का मान आ जाएगा। तो घटाओ इसको माइनस में, माइनस में से इसके क्या करना है, अपने को फोकस करना है। अब नीचे क्या बचा, एफ ई, एफ ई या एफ पी ले लो, क्योंकि बराबर है, पहले से ही लिख रखा है अपने यहाँ पे। तो ये क्या होगी, अपने पास फोकस दूरी पड़ी है लेकिन किसकी, ऋणात्मक चिन्ह। इतना सॉल्व हो गया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो माइनस का बी माइनस माइनस प्लस का आर, माइनस का आर माइनस माइनस प्लस का यू, ठीक है। अब देखो माइनस को माइनस से गुना करते तो
अब देखो आगे इसको सॉल्व करना है, तो हमने यहां से मिटा लेते हैं इसको, स्पेस कम रह गया। देखो लिखो, मान लो अपने पास अभी यहां लिखो माइनस बी प्लस में क्या है आर बटा में क्या है माइनस का आर प्लस का यू बराबर में माइनस का बी प्लस का एफ और बटा में क्या है देखो माइनस का एफ। इतनी बात आपको अब तक समझ आ गई। अब देखो आगे क्या करना है, वज्रगुणन करना। वज्रगुणन कैसे, इसका इसके साथ गुणा और इसके साथ गुणा करना है। कर दो माइनस का एफ और क्या है माइनस का बी प्लस का आर बराबर में क्या हो गया माइनस का आर प्लस का यू है, तो इस साइड क्या है माइनस का बी प्लस का है। अब करो अंदर गुना, एफ का बी के साथ क्या किया माइनस माइनस था प्लस, तो एफ वी माइनस प्लस माइनस एफ आर बराबर में क्या हो गया आर का इसके साथ अंदर दोनों के साथ गुना करो माइनस माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा आर वी अंदर गुना करो माइनस का आर एफ। अब इसका यू का गुना करो माइनस प्लस है तो माइनस का यू वी और प्लस का यू एफ। अब जो चीज कट रही है ना उसको काट दो, एफ आर इधर है और इधर आर एफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखा है माइनस का कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास एफ वी बराबर में आर वी माइनस यू वी प्लस यू एफ बच गया। अब देखो कुछ कट नहीं रहा तो छोड़ दो। आर का मान क्या होता है अपने को सीधा सा पता है आर बराबर टू एफ होता है, ठीक है, तो इसको सीधा सीधा अपने ये मान रख देंगे यहाँ पे। रखो एफ वी बराबर में आर की जगह रखना है कैपिटल आर की जगह टू एफ साथ में क्या पढ़ा है पहले से वी माइनस का यू वी प्लस का यू एफ पूरा पढ़ा है। अब देखो इधर क्या है एक एफ वी है, इधर क्या है टू एफ वी है, इसको इधर ले आओ किसका आ जाएगा माइनस का, इधर क्या बच गया माइनस का यू वी प्लस का यू एफ। अब घटा दो सॉरी ये प्लस का है ये देखो प्लस का चिन्ह पड़ा तो माइनस प्लस माइनस बड़ा चिन्ह किसका आएगा माइनस का एफ वी माइनस का यू वी प्लस का यू एफ। ये अपने पास एक समीकरण प्राप्त हो गई, लेकिन हल तो अपने पास आया है, तो फाइनल हल निकालने के लिए क्या करेंगे पूरे समीकरण को किससे भाग देंगे यू वी एफ से भाग देने पर। दो पूरी समीकरण यहाँ नीचे लिख दो यू वी एफ यहाँ लिख दो यू वी एफ यहाँ लिख दो यू वी एफ जो कट रहा है उसको काट दो। देखो यहाँ एफ वी से क्या कट रहा है एफ वी कट रहा है क्या बच गया माइनस का वन अपॉन में यू, यहाँ क्या कट रहा है देखो यू वी से यू वी कट रहा है तो क्या बच गया माइनस का वन अपॉन में एफ प्लस यहाँ क्या कट रहा है यू एफ कट रहा है ये यू कट गया एफ कट गया क्या बच गया एक बटा में वी। अब इसको सेट करके लिख दो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ क्या आ जाएंगे चिन्ह